नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में दुनिया में एक हवा बना हुआ है कि शी जिनपिंग एक बहुत महान लीडर है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। शी जिनपिंग तो किसी को तोड़ सकता है, किसी को फोड़ सकता है। शी जिनपिंग किसी से डरता नहीं है। शी जिनपिंग टॉप 5 का नेता है, दुनिया में 5 नेता है जो बहुत फेमस है। एक तो वर्तमान में पुतिन है, दूसरा मोदी जी है और तीसरा शी जिनपिंग है, बाकी सब तो झंडू है। दोस्तों इस तरह की बातें सब बोलते आया है, लेकिन शी जिनपिंग दोस्तों यहाँ पे साबित कर दिया है कि वो महान नेता नहीं, वो सबसे महान गधा नेता है। दोस्तों शी जिनपिंग ने चीन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया है। कह सकते हैं कि इस गलती से चाइना का 17 नहीं दोस्तों 18 टुकड़ा हो जाएगा, चीन खंड खंड में बढ़ जाएगा, चीन का दोस्तों नक्शा बदल जाएगा, चीन का इतिहास भूगोल सब बदल जाएगा। दोस्तों चीन आखिरकार वो गलती कर चुका है जिसका न तो किसी को उम्मीद था न ही किसी को विश्वास था। दोस्तों अगर हम लोग चाहे भी तो ऐसा गलती नहीं करवा सकते हैं जो चीन ने खुद कर दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं आज सुबह से लेकर भारतीय मीडिया में एक खबर खूब छाई हुई है। खबर यह है कि चाइना ने तिब्बत के आसपास, खासतौर पे भारत के सीमा के नज़दीक में, खासतौर पे लद्दाख के एरिया में चीन ने अपना 22 फाइटर प्लेन को घुमाया है, दौड़ाया है, भारत में घुसाने का प्रयास कर रहा था, भारत को धमका रहा था। ये 22 फाइटर प्लेन एक टीम बना के घूम रहा है, जिस प्रकार से कुत्ते अपना झुंड बना घूमता है, सेम टू सेम काम कर रहा है चीन का ये फाइटर प्लेन टीम बना के भोंकने के लिए भारत के खासतौर सीमा पर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, ये केवल घुमा ही नहीं, एक बहुत बड़ा युद्ध एक्सरसाइज करके भारतीय आर्मी को डराया है। ये भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है, भारत को संभल जाना चाहिए। भारत आखिरकार कहाँ सो रहा है, ये गलवान 2 का तैयारी हो रहा है। दोस्तों इस तरह के बातें हमारे देश के बुद्धिजीवी थिंक टैंक और जो महान पत्रकार है ये बोल रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, सच्चाई आपको पता नहीं, चीन वही गलती कर रहा है ना जो गलती कभी जापान ने किया था, जो गलती कभी जर्मनी ने किया था। दोस्तों चीन के इस गलती से हम लोग को खुश होना चाहिए, हम लोग को पार्टी मनाना चाहिए। हम लोग दोस्तों यहाँ पे अपने देश का तिरंगा दुनिया के सामने में लहराना चाहिए, बोलना चाहिए, देखो भाई भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने चीन को पूरी तरह से घुटने पर लगा दिया, उसे बर्बाद कर दिया है। बोलेंगे ये कैसे संभव, आखिरकार चीन भारत से डर गया है और आखिरकार कैसे चीन को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, जो अव्वल होता है, जो कमज़ोर होता है, जो बेवकूफ़ होता है, वो केवल चिल्लाता है मार खाने के लिए। जितना चिल्लाएगा उतना वो मार खाता है, क्योंकि कमज़ोरों का गुस्सा अधिक आता है। जो कमज़ोर होता है उसे अत्यधिक गुस्सा आता है, बाद में वो मार खाने पर ही शांत होता है। सेम टू सेम काम आज चाइना कर रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में चीन केवल खोखला की तरह दोस्तों दिख रहा है। बोल तो रहा है कि हम बहुत पावरफुल, लेकिन वो खोखला हो चुका है, चारों ओर उसका दुश्मन है ही, अमेरिका तो उसका जान लेने के लिए तुला हुआ है। अब यहाँ पे चाइना खुद ही भारत को मौका दे दिया है कि आओ हमें तोड़ो, हमें नष्ट कर दो, हमसे तिब्बत छीन लो। यानी भारत चाहे तो अपना अक्साय चीन ले ही सकता है, साथ में चीन का बंटवारा कर सकता है। दोस्तों चलिए मैं अब बता रहा हूँ, आप लोग जानते हो दोस्तों चीन का एक सपना है। सपना क्या है पता है? चीन का जो बड़े बड़े नेता है वो सब यही बोलता है, चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन ताइवान को लेकर छोड़ेंगे। ताइवान के लिए हम खुद मिट जा सकते हैं लेकिन ताइवान को छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों इस तरह की बात चीन में कई बार हो चुका है। अब चीन का सपना यह है कि जिस प्रकार 1922 में कम्युनिस्ट पार्टी का सपना हुआ चीन में, सेम टू सेम काम 1922 में हुआ था, अब 2022 में होगा। यानी कि 2022 तक खासतौर पर एक विशाल चीन बन जाएगा, वो भी ताइवान चीन में मिल जाएगा। यानी कि 100 साल बाद, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल बनने के उपलब्धि में हम लोग क्या करेंगे, 2022 से पहले ताइवान पे हमला कर देंगे। अब दोस्तों यहीं पे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब बोलेंगे कैसे, देखिए आप जानते हैं ताइवान उतना छोटा देश है जरूर दोस्तों, लेकिन चीन के लिए एक काल है। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार एक हाथी चींटी को हराने में असफल होता है, चींटी चाहे तो उसके कान में घुस के उसे कहानी खत्म कर सकता, मार सकता है, सेम काम ताइवान कर सकता है। अब यहाँ पे भारत के लिए मौका क्या है जानते हैं? भारत के लिए मौका यह है कि भारत चीन से पहले ही
खासतौर पर तिब्बत पे आक्रमण कर दिया। बोलेंगे भाई ये संभव कैसे है, आखिरकार भारत तिब्बत पे हमला क्यों करेगा, क्या हम लोग को खासतौर पे युद्ध लड़ने का शौक हो गया है क्या। देखिए दोस्तों मैं समझाता हूँ, आप लोग जानते हैं दोस्तों जिस समय ताइवान पे कब्जा होगा चीन को पता है कि उस समय हमारे सामने में सबसे बड़ा मुसीबत कौन है, वो भारत है। अमेरिका तो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, यूरोप तो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे बगल में एक बहुत ही विशाल और बहुत ही खतरनाक देश है और बहुत ही खतरनाक नेता है मोदी जी, जो ये काम करने में हमें रोक सकता है और हमारा तमाम जो भी खासतौर प्लान हो चौपट कर देगा भारत दोस्तों। इसीलिए चीन जानता है कि अगर 2022 से पहले ताइवान को मिलाना है तो पहले भारत को कमज़ोर करो। दोस्तों चीन को पता है कि भारत को डराओ धमकाओ भारत डर जाएगा और फिर ताइवान पे हमला कर दो। दोस्तों ऑलरेडी 2021 जाने वाला है और केवल 6 से 7 महीना बचा है ताइवान को हमला करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, चीन को पता है जिस दिन ताइवान पर हमला करेंगे भारत हमारे सीमा पर आ जाएगा, इसीलिए चीन ने भारतीय सीमा को दोस्तों एक्टिव कर दिया, यानी कि भारत का जो सीमा है ना वहाँ पे टेंशन बनना शुरू कर दिया है। चीन चाहता है कि हमारा आर्मी ऑलरेडी भारत की सीमा पे हो, हमारा एयरफोर्स ऑलरेडी भारत की सीमा पे हो, हमारा जो भी बड़े बड़े मिसाइल है भारत की सीमा पे हो, ताकि जब हम ताइवान पे हमला करते हैं यहाँ पे भारत हमारे अंदर ना घुसे और आसानी से ताइवान को कब्जा कर ले। आप बोलेंगे फिर हम चीन को कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे चीन को तो डबल जीत हो जाएगा, भारत को रोक लेगा ताइवान पे हमला कर देगा। दोस्तों यहाँ पे भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यह है कि भारत चाहे तो तिब्बत पे विद्रोह उठा सकता है, भारत चाहे तो सिजियांग प्रांत में विद्रोह उठा सकता है, और जिस समय ताइवान पे हमला होगा उस समय चीन में विद्रोह उठेगा और देखेंगे चीनी आर्मी विद्रोह को दबाने में लग जाएगा और हम लोग क्या करेंगे उस समय तिब्बत को आज़ाद बना देंगे, तिब्बत को एक मुल्क घोषित कर देंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने बांग्लादेश को किया था। जिस समय चीनी आर्मी सिजियांग प्रांत में लोगों को मारना शुरू करेगा, विद्रोह खत्म करना शुरू करेगा, उस समय हम लोग सिजियांग प्रांत को एक अलग देश घोषित कर देंगे। दोस्तों उसी समय हम लोग हांगकांग को ताइवान को अलग देश बनाने का प्रक्रिया शुरू कर देंगे और क्या होगा, यहाँ पे चीन का दोस्तों 4-5 टुकड़ा हो जाएगा। आप बोलेंगे 4-5 टुकड़ा के बाद 17 टुकड़ा कैसे होगा। देखिए दोस्तों कम्युनिस्ट देश के बारे में कहा जाता है कि कम्युनिस्ट जो जितना बड़ा होता है उतना ही उसके लिए खतरनाक होता है। मान लीजिए सोवियत संघ जो टूटा था उस समय केवल 3-4 देश का ही डिमांड था दोस्तों, उसमें कितना केवल 3-4 देश का डिमांड था, उसके पास सब कुछ था, खतरनाक परमाणु मिसाइल था, उसके पास सब हथियार था, लेकिन फिर भी क्या किया कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। सोवियत संघ 14 हिस्सा में टूट गया, कहाँ पे 4-5 डिमांड था और 14 हिस्सा बन गया। अब यहाँ पे क्या है, चीन में ऑलरेडी 5-6 देश का डिमांड हो रहा है और चीन सोवियत संघ जैसा मजबूत नहीं है दोस्तों, चीन बहुत बड़ा पहलवान नहीं है, चीन चाहे तो एक रत्ती में दोस्तों हार सकता है, चीन चाहे तो अमेरिका के सामने भारत सामने घुटने टेक सकता है। इस समय क्या होगा, भारत और अमेरिका चाहे तो चीन को खंड खंड में तोड़ के छोटा सा चाइना बना सकता है, ताकि आने वाले समय में चीन कभी भी खतरा न बने दुनिया के लिए।